जय माता दी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, जय जनेन। और अभी यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ प्रेस, और मेरी प्रेस सही होकर आ गई है। ये ख़राब हो गई थी तो फाइनली सही हो गई है। इसके लिए काफ़ी टाइम लगा, सही हो गई है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भाभी की सासू माँ है वो बैठी हुई हैं, वो टीवी देख रही हैं, और दीयू यहाँ पर फ़ोन में कुछ कर रही थी, तो मैंने उसे फ़ोन ले लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे फ़ोन यूज़ करें तो उनके लिए हार्मफुल भी होता है। वो किसी को दिखा रही थी मुझे, और मुझे वो परेशान कर रही थी, और मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़ोरों से नींद आ रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं दिन भर काम करने के बाद। और घर में भी बहुत सारा काम होता है, बच्चों को संभालना जिम्मेदारी होती है, घर का भी काम, यूट्यूब का भी काम होता है, और पढ़ाई वगैरह बहुत कुछ होता है। तो यार 24 घंटे तो कब निकल जाते नहीं पता चलता, और थकान तो ऐसे हो जाती है जैसे कि यानी कितना काम हम लोगों ने किया है। और यहाँ पर ये जो टॉप पर मैं प्रेस कर रही हूँ ना, इस टॉप पर जो कलर फेड हो गया है मेरी किसी का, अगर किसी को पता है कि यदि किसी का कलर किसी पर चढ़ जाता है तो कैसे सही करते हैं, क्योंकि इसका जो टॉप का कलर है ना वो मेरे ब्लैक कलर के ही सूट रखा है, इसका थोड़ा सा पीछे लग गया है, तो बहुत ये नया टॉप है मेरा, मैंने अभी ख़रीदा था, मम्मी के यहाँ गई थी तब, आपको पता ही होगा। और ये अगर ऐसा हो जाए तो कितना दुख होता है, क्योंकि मैं हाल फिलहाल तो कपड़े लेती भी नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है कि अपने लिए मैं हाल फिलहाल कपड़े नहीं लेती हूँ, क्योंकि सब चीज़ देख के चल रही होती है, सिर्फ कपड़े ही नहीं लेने, घर का बहुत सारा ऑलरेडी खर्च होता है। और भी अभी मैंने अभी मैंने आपको पता है मेकओवर किया है रूम का, तो उसमें भी काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था। सो फाइनली ये है मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। और यहाँ पर क्या है ना, ये रूम फ्रेशनर आए हैं मेरे पास रिव्यू के लिए। यहाँ पे दीयू डांस कर रही है, ठुमके लगा रही है, और आज मैं वीडियो में आप लोगों को अपना भी डांस थोड़ा सा शेयर करूँगी। कुछ लोगों ने बोला, कई लोग मतलब कमेंट करेंगे, एक दो लोग हैं वो कमेंट करेंगे कि देखो कैसे इतना बेकार डांस करते हैं कमर को, क्योंकि मैंने जब सेकंड चैनल पर अपना जो डांस थोड़ा सा शेयर किया था बर्थडे पर, तो एक कमेंट आया था कमर नहीं कमरा है बहन, कमरा शायद आपने भी देखा नहीं कमरा कैसा होता है। और ठीक है ना, किसी का कमरा है या कमर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबके अलग अलग फिगर होता है, और किसी का क्या होता है प्रेगनेंसी के बाद कमर निकल आती है, किसी का कुछ होता है, पर मैं शुरू से ही ऐसी हूँ ना, मेरी कमर निकली ना कुछ, मेरा पेट ज़रूर है, पेट तो कहते हैं ना बनियों का पेट होता है, जैन है हम लोग, बनिया हैं, तो हम लोग के पेट नेचुरली होता है थोड़ा बहुत निकलना। और मेरा शादी के बाद ये नॉर्मल डिलीवरी हुई थी ना, तो मेरी ज़्यादा केयर नहीं हुई, क्या होता है ना कि वो सुताई वगैरह होती है ना, वो मालिश वगैरह कुछ होती है, वो मेरे नहीं हुई है। वैसे अगर गांव में वगैरह में वैसे होती है वो, अगर नहीं हो तो पेट निकल आता है, अगर वो होती तो शायद नहीं निकलता, क्योंकि मेरी मम्मी वगैरह बता रही थी वो होती है तो नहीं निकलता है ऊपर का पेट, नीचे का निकल आए वो, क्योंकि नीचे जो टमी नीचे जो हमारा पार्ट होता है उसमें बेबी होता है, ऊपर वाले तौंद जिसे बोलते हैं उसमें नहीं होता। तो फाइनली यहाँ पर मैं वही बता रही हूँ, तो वो निकल आया मेरा, और वो सुताई करने से नहीं निकलता है। बट क्या है ना कि माँ बाप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ससुराल वालों के हाथ में होती हैं। और फिर अगर कुछ बोला मम्मी पापा तो फिर ये बोलते हैं आप ही भेज दो सब कुछ, मतलब मम्मी पापा ही कर दें सब कुछ, मतलब कहने का मतलब यही है ना, तो उनको करना है और ना पैसा खर्च करना है, सारे माँ बाप ही करें। तो फिर मैं मम्मी पापा पर बर्डन नहीं डालना चाहती, मैंने छोड़ो मम्मी, जैसे ज़िंदगी में जो लिखा है वो तो लिखा ही है, और ये सारी पुरानी बातें हैं, बात निकली है इसलिए बता दिया। लेकिन अब फाइनली हम लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, घर के में और घर चलाने में, क्योंकि अभी मेरे YouTube से तो आप लोगों को पता है इतनी इनकम नहीं आती है, क्योंकि मेरा जो खर्चा है वो YouTube से नहीं चलता, हस्बैंड की इनकम से चलता है, और थोड़ी बहुत जो इनकम आती है तो शायद साइड से बहुत कुछ कर लेती हूँ मैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ घर खर्च की तो नहीं चलता, घर खर्च मेरा कम से कम 10-12 हज़ार में चल पाता है, तो वो इतनी इनकम तो आप लोगों को पता है यूट्यूब से आ नहीं पा रही। और अगर इतनी इनकम आती तो बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट हो जाता, कोई नहीं आज नहीं तो कल आएगा। एक मेरी यूट्यूबर फ्रेंड है जिनके 7 लाख 7.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं उनके, और काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है हम लोगों की, लेकिन काफ़ी दूर रहते हैं, ऐसे सोशल मीडिया से फ्रेंडशिप हुई है, सो काफ़ी दूर भी रहती हैं, 7.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है उनके, तो उनको hey guys, good afternoon. तो मैंने चश्मा चेंज कर लिया, सो गाइस अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, और जस्ट मैंने अभी मतलब आज क्या बात हुआ, आज मैं बहुत लेट हो गई, आज मैं करी थी क्लीनिंग,
और मेरा रिमोट जो था ना टीवी का, वो मिल नहीं रहा था। फिल्म कल रात में मैंने प्रेस करी थी जैसे कि आपको पता है, तो प्रेस करते टाइम क्या हुआ कि मैंने ना उनको उसके मैं जो कपड़ों पे प्रेस कर रही थी उसमें मैंने रिमोट रख दिया, फिर उसके ऊपर और कपड़े रख दिए और वो सारे कपड़े उठा के मैंने यूं ही अलमारी में सेट कर दिए, तो जो रिमोट था उसी में दब गया। और मैंने पूरे में रिमोट देख लिया, मुझे नहीं मतलब कि मिला। फिर मेरे एकदम अचानक से दिमाग में आया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैंने टीवी वो लोग जो प्रेस करे थे कपड़े उनके अंदर ही रख दिया हो। तो सुबह सुबह इसी तरह से मतलब दिमाग खराब हो गया ढूंढते ढूंढते रिमोट का। तो बहुत ही ज्यादा मतलब होता है ना एक हेडेक टाइप हो गई, तो इसके लिए मैंने फिर आप लोगों से मैंने सोचा आप लोगों से बातें करती हूँ। अभी तो मैंने बात नहीं करी लेकिन पर्दा है ना मैं इसको पीछे कर रही थी, बढ़िया दिख रहा है तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि तो दिखता है ना कि जॉइंट है यहाँ पर, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इससे अच्छा ये हाइड कर दूँ तो अच्छी लगती है। डीएनए का पता है मकान मालिक बाबा से, बाबा पेंट करा दो, ऐसे ही कहेंगे मुझे मालूम, वो कराएंगे नहीं। मुझे पीछे इसके क्या गिर गया है ये देख रहे हो आप लोग। सो फाइनली भी मैंने पराठे खाए हैं और चार से खुश है। आए पता यहाँ पर यो हमारे सीएम आ रहे हैं, वो भी योगी उनके दो योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर है ना बीजेपी के जो कुछ नेता थे उनको मार दिया गया है, मतलब जो कि अभी चुप रहो ना दिया आप। सो मतलब कि मार दिया गया है उनको क्योंकि अभी पता है आपको चुनाव आ रहे हैं, जब चुनाव आ रहे हैं तो क्या है ना कि चुनाव के चक्कर में कई सारे बीजेपी के जो मिनिस्टर्स थे उनको मार दिया है जैसे आप लोगों को पता होगा। सो न्यूज में तो वैसे आपने देख ही लिया होगा, तो उसी के कारण से वो यहाँ पर आ रहा है। आई होप सॉरी आ रहे हैं, ध्यान ही नहीं दिया मैं किस तरह बात कर रही हूँ। सो वो आ रहे हैं यहाँ पर योगी जी, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब मैं तो ये चाह रही हूँ जिन्होंने भी उनको मारा है उनको सभी लोगों को अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट करके उनको भी फांसी लगा दी जाए ताकि, और वैसे भी बीजेपी का टाइम है तो अभी तो जो भी क्राइम कर रहा है वो उनको उसी की उसी तरीके से सजा दी जा रही है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी जो रेप वगैरह हुए तो उनके आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है और कई सारे रेप वालों को जो भी योगी जी की सरकार है बीजेपी की सरकार है ना इस टाइम, तो काफी सारे जो ऐसे आप लोगों को पता है प्रियंका रेड्डी को भी, प्रियंका रेड्डी के जो भी आरोपी थे जो भी विक्टिम थे उनको तुरंत ही मार दिया गया था। और निर्भया वाले केस को भी अभी सारे जस्टिस मिल चुकी है। आप लोगों को पता है 7 साल से वो लड़ रहे थे, फाइनली अब उनको जस्टिस मिल गई है और ये जो अभी मारे गए हैं मिनिस्टर्स इनको भी जस्टिस मिल जाएगी। और फाइनली क्योंकि अभी ना जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना उनको तुरंत के तुरंत जस्टिस दी जा रही है, नहीं तो पहले क्या होता था अटके रहते थे दसियों साल उसके केस चलते थे। बट फाइनली अभी जो भी है ना मिनिस्टर की नजर में आ जाते हैं जैसे कि योगी जी वगैरह के नजर में आ जाते हैं उनको तुरंत ही जस्टिस मिल जाती है। तो फाइनली मैंने सोचा कि आप लोगों से मॉर्निंग से बात नहीं करी, अभी खा लिया हम लोगों ने थोड़ा सा, दिया ना होमवर्क रात में ही कर लिया था। मैं रात में कल 3 बजे सोई थी, वैसे दी 8:30 बजे आ जाती है ट्यूशन से, लेकिन ये तब से तो मरोड़ी बनाती हूँ मैं प्रेस कर रही थी तो इस लड़की ने बिल्कुल भी काम नहीं करा और फिर मरोड़ी बनाती रही फिर बहुत लेट काम करा तो मुझे रात के 3 बज गए। और ये अभी करती तो करती नहीं है और कुछ सम्स वगैरह थे क्योंकि सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह सीख रही है तो वैसे कर लेती है सीख नहीं रही, कर सीख चुकी है, अभी कैरी वाले नहीं जानती है बट नॉन कैरी वाले कर लेती है। अभी 4 साल की उम्र में इतना कुछ वो कर लेती है बहुत बड़ी बात है इसको, मतलब 4 साल के बच्चे भी ठीक से भूलना भी नहीं जानते। और इस हिसाब से ये दिया मेरी 1 to 100 तक स्पेलिंग, 1 to 10 तक टेबल सम्स करना और इस बहुत सारी स्पेलिंग A to Z तक स्पेलिंग, A to छोटे ABCD बड़ी ABC छोटा बड़ा, 1 to 3, 1 to 100 मतलब सब कुछ इसे आता है, फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम और संडे मंडे की स्पेलिंग अभी इसे याद है, वीक नेम की स्पेलिंग इसे याद है और अभी मंथ नेम की इसे सिर्फ 6 याद है, 4 याद है ना, 4 याद है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा करके ही हम याद कराते हैं, एकदम से बर्डन नहीं डालते क्योंकि बच्चों पे बर्डन डालना भी ठीक नहीं है। तो अभी ये थोड़ी 4 इसे याद है और बाकी की बच्ची हुई आज याद करेगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, है ना।
बात अधूरी रह गई थी तो मैं बता रही हूँ, उनके 7.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और उनको भी 6 साल हो चुके हैं यूट्यूब पर, तब जाकर उनका चैनल ग्रो करा है। मतलब कि उनके जो यूट्यूब है चैनल, उनका 4 साल 5 साल बाद चला था, अब उनको 6 साल हो चुके हैं। फाइनली उनका अच्छा सब्सक्राइबर है, भगवान करे वो मिलियन में जाए और उनका गोल्डन प्ले बटन आए। बहुत अच्छा है नाम, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सोनम प्रजापति करके आप चैनल है जाओगे, गाँव की हैं वो। तो ये सब चीज़ें तो मैं क्लियर नहीं करूँगी कहाँ की हैं क्या नहीं है, बट इतना पता है कि 7.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, काफ़ी अच्छी यूट्यूबर है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, काफ़ी अच्छी मोरल स्टोरी बनाती हैं वो मेरी तरह से, मैं मोरल स्टोरी बनाती हूँ सेकंड चैनल पर, वो भी बनाती हैं गाइस। तो बस इतना ही अच्छा है, अब मैं तो ये चाहती हूँ कि उनके मिलियन हो जाए तो गोल्डन प्ले बटन और आ जाए, क्योंकि बहुत बहुत खुशी होती है। मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे 1 लाख कब हों और मुझे सिल्वर प्ले बटन मिले, तो मैं तो सबके लिए दुआ करूँगी कि सबके चैनल चले, खासकर जिनको नीड है पैसों की, जिनका मतलब ज़रूरी है चलाना, तो भगवान करे उनका तो चैनल चले ही, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर पैसा कमाने आते हैं, कोई भी किसी को दे नहीं देता यदि आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें यहाँ पर पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमारा घर नहीं चलता। मैं तो बोलूँगी मेरा घर नहीं चलता, बट साइड साइड से बहुत कुछ निकल आता है यूट्यूब से, बट क्या कहते हैं कि, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हमारा घर नहीं चलता। तो फिर एक बात बताओ, फिर आप लोग ऐड क्यों लगाते हो, ऐड क्यों लगाते हो, वीडियो को मोनिटाइज क्यों कर रहे हो, अगर आपका घर यूट्यूब से नहीं चल रहा और आपको कोई वैल्यू नहीं है यूट्यूब की, तो भाई आप क्यों चला रहे हो, क्यों लगा रहे हो ऐड। ये सिर्फ पागल बनाने की बातें होती हैं कि हमारा घर नहीं चल रहा यूट्यूब से और हमने मोनिटाइजेशन ऑन नहीं करा, हमने एडसेंस नहीं लगाया, ये सब पागल बनाने की आदतें होती हैं। क्योंकि एडसेंस आप कभी भी लगाओगे ना, आप अच्छे खासे डॉलर, एक बहुत सारे लोग क्या करते हैं अच्छे खासे डॉलर इकट्ठे कर लेते हैं, उसके बाद वो एडसेंस अप्लाई करते हैं ताकि उनकी एक साथ बहुत अच्छी अमाउंट में इनकम आए। मतलब अगर उनके 1-1.5 लाख रुपए आएगी तब जाकर वो एडसेंस लगाते हैं। तो ये सिर्फ आपको पागल बनाते हैं कि हमने अभी तक एडसेंस नहीं लगाया, हमने अभी मोनिटाइजेशन ये नहीं करा, हमने मोनिटाइजेशन इनेबल नहीं करा। ऐसा कुछ नहीं होता गाइज, अगर ऐसा होता तो वो ऐड नहीं लगाते वीडियो में और वीडियो को मोनिटाइज नहीं करते, वो सिर्फ आपको काट कर आपकी आपको पागल बनाकर और अपने व्यूज़ गेन करते हैं, डॉलर इकट्ठे करते हैं, और जब उनके अच्छे खासे अमाउंट में डॉलर हो जाते हैं तब वो एडसेंस अप्लाई कर देते हैं। एडसेंस 2 या 3 दिन में वेरिफिकेशन हो जाता है, 15 दिन में पिन कार्ड आ जाता है, पिन कोड आ जाता है, उसके बाद वो उनके बैलेंस भी आता है। यूट्यूब कभी बेमानी नहीं करता है गाइस, किसी का पैसा नहीं रखता है, तो ये सिर्फ आपको पागल बनाते हैं गाइस। बहुत सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह तय बन गए थे, उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया था, और यहाँ पर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैंने यहाँ पर आईब्रो फिल कर रही हूँ अच्छी तरीके से, और बस यहाँ पर मैं, गुड न्यूज़ है कल की वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगी, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये आपके लिए गुड न्यूज़ और सरप्राइज़ है। मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मी का फ़ोन आ रहा था बार बार कि जल्दी आओ, यहाँ पर भीड़ स्टार्ट हो गई है, वो आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए जो भाभी की ननद है, यानी कि भाभी, हम लोग भी ना एक फैमिली में रहते हैं, तो हम लोग को तो ऐसा कभी रियलाइज़ नहीं होता कि वो उनकी ननद है और हमारी कोई नहीं लगती, ना कभी भाभी रियलाइज़ होने देती हैं ना हम कभी रियलाइज़ होने देते हैं गाइज। बट पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि वो हमेशा मन में डालते रहते हैं कि वो तुम्हारी रियल नहीं है। यार रियल क्या होता है, जहाँ अपनापन मिले, जहाँ प्यार मिले, वही खास रिश्ता होता है। सो यहाँ पर देखिए ये हस्बैंड है उनके, और ये लेकर जा रहे हैं अपनी बीवी को, और यहाँ पर ये निक्की मेरा भाभी का बेटा खड़ा है छोटा वाला, और मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ, भाभी से बोल रही हूँ आप रेडी हो, आप भी चलो, क्योंकि बहुत खास दिन है आज। और आज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अपना डांस दिखाया है साड़ी पहनकर, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा। मतलब ये मैं स्नैक वीडियो पे वीडियो बनाई थी, ऐसी मस्ती मस्ती में डाल देती हूँ, कोई तैयार, आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा तैयार वैयार होकर वीडियो बनाना, मतलब स्पेशली तैयार होकर और स्नैक वीडियो के लिए तैयार होकर वीडियो बनाना मूड नहीं बनता मेरे पे। कोई रिव्यू वीडियो शूट कर रही हूँ और तैयार हो गई हूँ उसके लिए, तो मैं स्नैक वीडियो बना देती हूँ कि स्पेशली नहीं बनाती, तो पता नहीं क्यों आलस बहुत ज़्यादा आ जाता है। सो फाइनली यहाँ पर मैं रेडी हो रही, लाइनर लगा रही हूँ उसके बाद, और बस यहाँ पर वही मैं लाइनर लगाने के बाद रेडी हो जाऊँगी, और कल आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आएगा, मतलब व्लॉग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोगों के लिए जाना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। सो गाइज़ आप लोग बताइएगा मुझे कि आप लोगों के दिन कैसे जा रहे हो, नवरात्रि का आज लास्ट डे है जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
सो यहाँ पर देखिए मैं लाइनर लगा रही हूँ, लाइनर मैं ब्लू हेवन का लगा रही हूँ। वैसे मुझे एस क्यू का लाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है, बट यहाँ पर मैं ब्लू हेवन का लगा रही हूँ। मिल ही नहीं रहा मेरे एस क्यू का लाइनर, क्योंकि वो ना ऐसा है उसे मुंह भी धो लोगे या कुछ भी कर लोगे तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और वो छूटता भी नहीं है। लेकिन ये क्या है, अगर खुजा लिया ना आपने तो भी ये निकल जाता है, बट उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। सो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर देती हूँ, आप लोग मेरी स्नैक वीडियो छोटी सी देख लीजिएगा। मैं मिलूँगी कल न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय and take care and love you all।